तुम्हें पता है हमारे गॉड ने ही ह्यूमंस को बनाया था, तुम्हें किसी ने बताया नहीं बचपन में? बताया तो था पर क्या आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ये बोल रहा था कि साइंटिस्ट ने साइंटिफिक मुझे मत बताओ, पहले जाकर अपनी रिलीजियस बुक्स को पढ़ के आ, मैं वो सब नहीं मानता। गेट आउट। थैंक यू अपना प्रेशियस टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। मैं हूँ मिस्टर रॉय फ्रॉम द मिस्टर रॉय शो, जहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपको बहुत पसंद है। वेलकम ऑन टू दिस एपिसोड। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन ऑन द टॉपिक ह्यूमन क्रिएशन एंड एवोल्यूशन। जो क्लिप आपने बिगिनिंग में देखी थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल आप किसी भी कंट्री के बारे में गूगल करें तो आपको उस कंट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपने देखा ही होगा कि उस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन डिफरेंट ओरिजिन्स एंड डिफरेंट रिलीजन वाले लोगों से बनता है। मैं सोच रहा था कि हम ह्यूमन तो इस प्लेनेट के सबसे इंटेलिजेंट बीइंग माने जाते हैं, तो हमें इस बात का पता आज तक चला क्यों नहीं कि ह्यूमंस इस प्लेनेट में क्रिएट कैसे हुए। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास है, पर इस आंसर को अगर हम रिलीजियसली देखें तो हर रिलीजन का एक अपना वर्जन होता है अबाउट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो उनका भी अपना अलग अलग थीसिस है। आइए मैं आपको एक सिंपल वर्जन में नरेट करता हूँ ह्यूमन क्रिएशन और इवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन का माइग्रेशन अलग अलग हिस्सों में कैसे हुआ। इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड है और साथ ही कितना इंटरेस्टिंग। एक और बात, ये एपिसोड एक सीरीज का हिस्सा है, जिस सीरीज में मैं ह्यूमन के इवोल्यूशन क्रिएशन एंड ओरिजिन के ऊपर आगे और डिटेल में वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ। अगर आपको इस तरह के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे चलकर आप कोई नया एपिसोड मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस और जानते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुए। सबसे पहले तो हमें एक जगह चूज करनी होगी ताकि हम उसके पास के बारे में जान सकें। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिली थी और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट चलाती है। प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। मैंने भी इनमें से कुछ को पढ़ा ताकि मुझे समझ में आए कि ह्यूमन बीइंग का टाइमलाइन किस तरह बना था। डिस्क्लेमर, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है इन लोगों से सीखा है, मिस सुरंग्या एंड मिस्टर प्रवीर फ्रॉम न्यूज क्लिक यूट्यूब चैनल, मिस्टर जीन जैकिस ह्यूबलिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसेंटली 21 फरवरी 2020 को एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने ह्यूमन ओरिजिन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स शेयर की थी, एंड मिस्टर मिशेल टेलिंगर जिन्होंने एंशियंट ब्रेकथ्रू एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अपने थीसिस को शेयर किया था 2012 में। मैं इन सारे लोगों की वीडियो एंड आर्टिकल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा, काइंडली उन्हें देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए इन तीनों टॉपिक को डिवाइड कर देते हैं तीन हिस्सों में ताकि हमें समझने में आसानी हो। पहला, लोग इंडस वैली पे आए कहाँ से? दूसरा, होमिनियन होमो सेपियन का माइग्रेशन कैसे हुआ? तीसरा, हमारे बीच सुपर बीइंग्स। पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 92 स्कॉलर्स अलग अलग डाइवर्स फील्ड से मिलकर एक स्टडी कंप्लीट की, जिस स्टडी में उन्होंने डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए उन कल्चरल लोगों से जिन लोगों का कांटेक्ट
कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से हुआ था। ये डीएनए सैंपल्स एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी की तरह यूज की गई थी ताकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। एंशियंट डीएनए स्टडी एंड मॉडर्न डे ह्यूमन के डीएनए के स्टडी के बाद ऐसा बताया जाता है कि पास्ट में दो बड़े माइग्रेशन हुए थे, जिनमें से पहला माइग्रेशन था नियोलिथिक फार्मर्स, जब अफ्रीका से एक स्पीशीज ऑफ होमेनियन आगे बढ़ने लगे इन सर्च ऑफ लैंड जहां पर वो अपनी खेती बाड़ी कर सके, और दूसरा था पेस्ट्रोलिस यूरेशियन माइग्रेशन, जहां पर पहले माइग्रेशन से बसे हुए लोगों ने सदर्न एशिया तक ट्रैवल किया। जब ये पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते थे तो ये अपने साथ अपनी लैंग्वेजेस, अपनी हैबिट्स जैसे कि खेतीबाड़ी, और साथ ही साथ अपने कल्चरल बिलीव्स को भी लेकर आगे बढ़ते थे। इस क्वेश्चन का डेफिनेटिव आंसर आज तक पता नहीं चला, पर यह माना जाता है कि पहले माइग्रेशन के जो लोग थे उनमें ज़्यादातर हंटर्स एंड गैदरर्स थे, और जब दूसरी माइग्रेशन वेव आई तो उस माइग्रेशन में ज़्यादातर नियोलिथिक फार्मर्स थे जिन्होंने अपने साथ अपनी हैबिट्स फर्स्ट माइग्रेशन वाले लोगों को भी सिखा दी। इस तरह से एक नए पॉपुलेशन का जन्म हुआ जिनमें बोथ फार्मिंग एंड हंटर गैदरिंग का कम्बिनेशन था। पहले माइग्रेशन के बाद नियोलिथिक फार्मर्स इंडस वैली में बस चुके थे, पर जब दूसरी माइग्रेशन हुई तो ऐसा कहा जाता है कि यूरेशिया से स्टेप पीपल, जिन्हें यमनी भी कहते हैं, उन्होंने साउदर्न एशिया में मूव करना शुरू किया। इन्होंने अपने साथ अपनी लैंग्वेज और अपने साथ अपने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जिनकी वजह से इन्होंने नियोलिथिक फार्मर को ओवर रूल कर दिया था। ये सेकेंड माइग्रेशन में जो लोग आए थे इंडस वैली में, इनके पास घोड़े की गाड़ी और अलग चीज़ें थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत ही एडवांस इंग है। चलिए, अब तक तो हमने ये समझ लिया कि लोग इंडिया में आए कहाँ से थे। अब समझने की बारी है कि होमिनियन से होमो सेपियन का जर्नी किस तरह कंप्लीट हुआ। 8 मिलियन साल पहले होमिनियन, जो कि सबसे प्राइम और एंसेस्टर ट्राइब थी होमो सेपियंस की, इन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी इवॉल्व और डेवलपमेंट शुरू की। आज के समय में बस इसकी एक ही प्रजाति बच गई है जिसे हम होमो सेपियन कहते हैं। इनके अंदर एडाप्ट करने की इतनी अच्छी कैपेसिटी और एबिलिटी थी कि ये कोई भी क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए एडाप्ट हो जाते थे। इसी वजह से ये अर्थ के कई हिस्सों में आज भी बसे हुए हैं। 40,000 साल से होमो सेपियंस प्लैनेट अर्थ में जिंदा है, पर आज के डेट पे भी फिलेंथ्रोपिस्ट ये बताने में कंफ्यूज होते आते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। पर बहुत सारी एविडेंस ये ट्रेस करके फैक्ट्स बताती हैं कि लाइफ का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका से कलेक्ट किए जो डीएनए सैंपल्स है ये बहुत ही डाइवर्स है, और अफ्रीका के बाहर जितने फॉसिल्स में सैंपल्स आज तक कलेक्ट किए गए उन सब को अफ्रीका के ही सब डिविजन माना जाता है। कुछ रिसर्च करने वालों का ये मानना था कि ईस्ट अफ्रीका में सब सहारा के रीजन में एक ऐसी स्पीशीज कहीं से आई थी जिन्होंने होमिनियंस के साथ ब्रीडिंग करके एक नई स्पीशीज का जन्म दिया, होमो सेपियंस कहा जाता था। पर इस नोशन को कई साइंटिस्ट ने चैलेंज किया था, और ये प्रूफ भी हुआ एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के बाद जो हुई थी जिबेली वुड में। 1960 से 1996 के बीच जिबेली वुड ईस्ट अफ्रीका में माइंस का एक्सप्लोटेशन करते वक्त ऐसी जगहों का पता चला जहां पर ऐसी बोन्स और अलग चीज़ों का खोज हुई जिनसे उनको पता चला कि एक और स्पीशीज थी उस टाइम लाइन में जब होमिनियंस डेवलप हो रहे थे।
इन सैंपल्स के मिलने के बाद आज के फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानते थे कि होमिनियन का इवोल्यूशन होमोसेपियन में हुआ, उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिला कि होमिनियन का इवोल्यूशन होमोसेपियन में डायरेक्टली नहीं हुआ। इसके बीच एक अलग स्पीशीज थी जिनकी बोन स्ट्रक्चर देखे तो आज के मॉडर्न डे ह्यूमन की तरह ही है। 1960 से 1966 और 1996 के बीच जितनी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई उन्हें पहले यूरोशिया के ट्राइब्स की तरह देखा जाता था, पर आज के टाइम में कार्बन स्टडी एंड मैथमेटिकल प्रिसिशन को लेकर ऐसे फ्रेम्स तैयार किए गए हैं जिनसे पता चला है कि इन स्पीशीज और जो फॉसिल्स मिले थे जिबेलीवुड में, उनका और होमिनियन का लिंक एक ही टाइम में नहीं हुआ था। उनके बोन्स एंड फॉसिल्स के साथ कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिनको डेट किया जाए तो सदर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका के टाइम के साथ ये मैच नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब ये होता है कि होमिनियन जब इवॉल्व हो रहे थे कोई और हिस्सों में अर्थ के एक अलग स्पीशीज थी जो होमिनियन से ही डिराइव थी, पर होमिनियन की इवोल्यूशन साइकिल में नहीं थी। चलिए अब हमने होमिनियन एंड होमोसेपियन के बारे में सीख लिया, अब हम बात करते हैं सुपर बींग्स, क्या वो हमारे बीच थे? सारे फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि ह्यूमंस का ओरिजिन सदर्न अफ्रीका के रीजन में हुआ था और सदर्न अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस किंगडम हुआ करता था पहले, जिनमें अनुनाकी रेस के बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया गया है सुमेरियन टैबलेट्स में। सुमेरियन टैबलेट्स में ये कहा जाता है कि अनुनाकी एक ऐसी रेस थी जो प्लैनेट अर्थ में आकर प्लैनेट से गोल्ड माइन करती थी और उस गोल्ड को वो टेलीपोर्ट करती थी कहीं और। जो अनुनाकी रेस थी वो अर्थ में सबसे पहली बींग थी जिन्होंने ह्यूमंस को क्रिएट किया ताकि ह्यूमंस उनके लिए काम कर सके और उन्हें मदद कर सके माइनिंग में। जो कहानियाँ सुमेरियन टैबलेट्स में हैं ये बस एक ही कल्चर में नहीं है, इनका जिक्र आपको रोम, ग्रीक, मेसो अमेरिकन्स और हिंदू सिविलाइजेशन में भी मिलता है। अगर आप कुछ डिटेल्स देखें तो आपको ऐसी सिमिलरिटीज मिलेंगी जो हम बहुत समय से जानते हैं। इन पिक्चर्स में गौर कीजिए, ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है जो कुछ एंशिएंट इजिप्ट, हिंदू एंड मेसो अमेरिकन में भी डिस्क्राइब्ड है। मिस्टर मिशेल ने अपने सिनॉप्सिस में ये कहा था कि प्रिंसेस इनाम ने इंडस वैली में मूव किया आफ्टर द ग्रेट आइस एज और एक नई स्पीशीज का जन्म हुआ विद कम्बिनेशन ऑफ होमिनियंस, जिन्हें आर्य के नाम से भी जाना जाता था हमारे कल्चरल बुक्स में। आप देख सकते हैं जो सुमेरियन टैबलेट्स में गॉड को डिस्क्राइब किया गया है, इसी तरह हिंदू कल्चर में भी हम हमारे गॉड को पेंट या तो डिस्क्राइब करते हैं। आप इन साइड बाय साइड कंपैरिजन को देख सकते हैं जो सुमेरियन टैबलेट्स और हिंदू कल्चर में हैं। इन दोनों गॉड्स का डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिमिलर है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आज तक हमें समझ में नहीं आई है। अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो हमें हर आगे आने वाले वीडियो में आपको ह्यूमन की लैंग्वेज और उनके प्रे, उनके गॉड के लिए जो की जाती थी उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए वीडियो में तो आपको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपना वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन कमेंट बॉक्स में छोड़िए ताकि मैं आपसे पर्सनली बात कर सकूँ। आई नो इस वीडियो को देखने वाले कुछ पर्सन लोग आज भी ह्यूमन क्रिएशन एंड इवोल्यूशन को अपने रिलीजियस व्यू से देखते हैं, पर कुछ पर्सन लोग ऐसे होते हैं जिनको साइंटिफिक थीसिस में थोड़ी बिलीफ तो है। मैं आपको दोबारा थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपना प्रेशियस टाइम
एंड इंटरनेट यूज करके इस वीडियो को देखा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करें, बस उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिनको इन थीसिस में इंटरेस्ट है। आप उनको ये वीडियो लिंक फेसबुक में डायरेक्ट मैसेज करें या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर में। एक और बात, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं और मैं उन सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली जिन्होंने हमें बहुत ही एंटरटेन रखा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, घर में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। जल्दी हम इस पैंडेमिक से उभर आएंगे। थैंक यू।